अभी तुम दोनों की घंटी बजाऊं क्या? कहाँ जा रहे हो भीम? तुमसे मतलब? देखो राजू, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। तो फिर रास्ते से हटो और हमें जाने दो। नहीं हटा तो? तो? तुम लोग लड़ना बंद करो। कालिया, हम तो बड़े झूले पर झूलने जा रहे हैं। चाहो तो तुम भी हमारे साथ चल सकते हो। मैं कोई बच्चों की तरह झूला वूला नहीं झूलता। 19, 20। माफ कर दीजिए उस्ताद। माफ कर दीजिए उस्ताद। कोई माफी नहीं, जल्दी खत्म करो, हमें वापस जाना है। हाँ, 21। हम उड़ रहे हैं। ये क्या? मुझे दो। ये हमारा हवाई जहाज है। पकड़ लिया। बहुत लड्डू खा लिए तुमने भीम, ये आखिरी वाला तो मैं ही खाऊंगा। हाँ हाँ खा लो। वैसे भी टुनटुन मौसी और लड्डू ला रही है, उसकी शुरुआत तो मैं ही करूँगा। पत्थर तो नहीं खा लिया? मेरा दांत, अब क्या करूं? ये क्या, राजकुमारी इंदुमती फिर जीत गईं। अच्छा ही है ना, जीतने वाले को दावत जो देनी पड़ती है। हाँ हाँ, दावत तो हमने पहले से ही तैयार रखी थी। ये! 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 मैदान क्लियर है भाइयों, बच्चे खाना खाने गए हैं। सावधान, महारानी पान पधार रही है। महारानी पान ने हमें याद किया? हाँ, हमें गुस्सा आ रहा है। क्या हुआ महारानी जी, किसी ने कुछ गुस्ताखी की? उस राजकुमारी, क्या नाम है उसका? इंदुमती। हाँ, तुमने देखा, उस राजकुमारी इंदुमती ने कितनी खूबसूरत माला पहन रखी थी। उस पर बिल्कुल नहीं जचती वो खूबसूरत माला। हम पहनते तो माला पर 4 चांद लग जाते। जी रानी साहिबा, आपने बिल्कुल सही कहा। हमें गुस्सा आ रहा है, हमें बहुत गुस्सा आ रहा है। वो खूबसूरत माला हम नहीं, वो इंदुमती पहन रही है। महाराज, महाराज, हमें माला चाहिए। हमारी महारानी का आदेश सर आंखों पर, हम आपके लिए दुनिया की सबसे कीमती, सबसे खूबसूरत माला लाएंगे। नहीं, मुझे वो माला चाहिए जो राजकुमारी इंदुमती ने पहनी है। माला पाने के लिए हमें ढोलकपुर के राजा को हराना पड़ेगा, उनके राज्य पर कब्जा करना पड़ेगा, फिर ही हम वो माला ला पाएंगे। तो जल्दी कीजिए ना महाराज। जो आदेश महारानी। हमने कहा ना, हम फिर से सबको ढूंढेंगे,
चलो सब छुप जाओ। मैं तो नहीं छुपने वाला, तुम सब छुपो, मैं तुम सबको ढूंढूंगा। कालिया बहस मत करो, ये एक राजकुमारी का आदेश है। भीम तुम भी जल्दी से छुप जाओ, हम अब गिनती शुरू करने वाले हैं। रुको चुटकी, मेरे साथ आओ। ये भीम इन सबको कोई अलग जगह ले जा रहा है, हम भी इसके पीछे चलते हैं। राजकुमारी हमें कभी ढूंढ नहीं पाएंगी। एक दो तीन सत्रह अठारह उन्नीस बीस, मैं आ रही हूँ। अरे मुझे लगा कि यहाँ पर तो कोई ना कोई जरूर छिपा होगा। क्या सबने वो चीख सुनी? हाँ ये तो राजकुमारी की चीख है, वो मुसीबत में है। जल्दी, वो चीख उस तरफ से आई थी। रुको, क्या पता वहाँ कोई खतरा हो और हम भी उधर फंस जाएं। वो देखो भी हा? सारे सैनिक कैसे डर के भाग रहे हैं। चलो क्या हुआ, आप सब किससे डर कर भाग रहे हैं? भीम, हमने आसमानी ताकतों ने हमला कर दिया है, अब कोई भी नहीं बचेगा। कैसी आसमानी ताकतें? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हमें महल में जाकर राजा इंद्रवर्मा से बात करनी चाहिए, जल्दी चलो। अरे पहले हम सब मिलकर ढोलकपुर राजमहल पर कब्जा कर लें, वो माला ले आएं, फिर आपस में मुकाबला कर लेंगे। अब चलो। क्या खबर लाए हो? रास्ता साफ है, ढोलकपुर के राजा अंदर अकेले हैं, राजकुमारी और बाकी बच्चे साथ के कमरे में हैं। ये कैसे हो सकता है? ढोलकपुर के महाराजा अब हमारे बंदी हैं। सैनिकों, ये आवाजें कैसी? हमारे चारों रानियां अब भी आपस में माला के लिए लड़ रही हैं। है।